पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों का प्रदर्शन सोमवार को हिंसक हो गया। राजधानी इस्लामाबाद के बाहर प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। इसके अलावा 119 लोग घायल हो गए। इमरान खान की पार्टी ने उनकी रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके बाद पिछले दो दिनों से सुरक्षा लॉकडाउन लागू कर दिया गया। इस्लामाबाद की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए गए। पंजाब प्रांत के पुलिस प्रमुख उस्मान अनवर ने कहा कि इस्लामाबाद के बाहर और पंजाब प्रांत में अन्य जगहों पर हुई झड़प में एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कम से कम 119 अन्य लोग घायल हो गए, साथ ही 22 पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि दो अधिकारियों की हालत गंभीर है। इमरान खान की पार्टी ने दावा किया है कि हिंसक प्रदर्शन में उनके कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। पंजाब की सूचना मंत्री आजमा बुखारी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ समर्थकों की ओर से इस्लामाबाद जाते समय पुलिस के साथ झड़प के बाद कई पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री ने चुराए गए जनादेश, लोगों की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी और 26वें संशोधन के पारित होने की निंदा करते हुए 24 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए भी आह्वान किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राजधानी में प्रवेश करने और धरना देने के प्रयास को विफल करने के लिए अधिकारियों के कड़े प्रतिरोध के बीच रास्ते में रात भर रुकने के बाद सोमवार को इस्लामाबाद की ओर अपना मार्च फिर से शुरू किया। खान के समर्थक राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने और कई महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, राष्ट्रीय भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद और उच्चतम न्यायालय के नजदीक स्थित डी चौक पर धरना देने जा रहे हैं। मंत्री ने सवाल किया कि इस्लामाबाद जाते समय कटी पहाड़ी पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में कांस्टेबल मुबाशिर की जान चली गई। जो लोग उन्हें राजनीतिक पार्टी कहते हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि क्या वे इसके बाद भी ऐसा कहेंगे? इमरान खान के समर्थकों द्वारा पुलिस अधिकारियों को बंधक बनाना, क्या ये राजनीति है? बुखारी ने कहा कि खान की पत्नी बुशरा बीबी इस देश में आग लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि बुशरा अपने पति को रिहा करवाने के लिए पश्तूनों को भड़का रही हैं। खान पिछले साल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और उनकी पार्टी के अनुसार उन पर 200 से अधिक मामले दर्ज हैं। बुखारी ने कहा कि पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पुलिस अधिकारियों को निहत्ते रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि खान की पार्टी के कार्यकर्ता खैबर पख्तूनख्वा ने हथियारों के साथ तबाही मचाने और हिंसा भड़काने के लिए आए हैं, अधिकारियों ने सुरक्षा बलों को आंदोलनकारियों और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दंगा करने वालों को देखते ही गोली मारने जैसे सख्त आदेश भी दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तानी सेना किसी भी इलाके में कर्फ्यू लगा सकती है। पीटीआई समर्थक डी चौक की ओर रवाना हो गए हैं, जिसके बाद रेड जोन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे इस्लामाबाद में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। कुछ प्रमुख इमारतों पर भी सैनिकों की तैनाती की गई है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने उनकी तरफ पत्थर फेंके और की वजह से 14 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस बीच पीटीआई कार्यकर्ताओं का दावा है कि पुलिस भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और उन पर लाठियां बरसा रही है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार सोमवार सुबह पूरे इस्लामाबाद में दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें डी चौक से कम 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।